लॉकडाउन का आज 49th डे है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं इस समय ये लोग जो हैं यहाँ पर जो खाना वगैरह बना रहे हैं, जो लंगर बना रहे हैं, ये पिछले 49 डे से लगातार जो है ये इसी तरीके से ये सिलसिला चल रहा है। और जो लोग अलग अलग जगह से लेबर है, जो दूसरे गरीब लोग हैं, जो जिन लोगों के पास खाना नहीं है उन लोगों को खाना पहुँचाया जा रहा है, तो पिछले 49 डे से ये लगातार इसी तरीके से खाना बना रहे हैं और इसी तरीके से जो लोगों को है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। आज हमारे साथ यहाँ पर जो लंगर लगाते हैं वो हमारे साथ हैं। सर आप बताइए क्या नाम है आपका और किस तरीके से ये लंगर चल रहा है? मेरा नाम अजय वर्मा है सर। लंगर जब से लॉकडाउन हुआ है तब से चल ही रहा है कंटिन्यू और आगे भी चलता रहेगा जब तक लॉकडाउन रहेगा। सर कितने दिन कितने लोगों का खाना जो है हर दिन यहाँ पर बनता है? अप्रॉक्सीमेटली 800 से 1000 आदमी का खाना डेली बनता है और हम लोकेशन पे भेजते हैं खाना। यहाँ पे फूड डिलीवर नहीं होता है, हमारी गाड़ी जाती है, 5 लोकेशन है हमारी, तो वहाँ पे हम डिलीवर कराते हैं। कहाँ आप देते हैं? क्या कोई सिलेक्टेड प्लेसेस होते हैं लोग जो है वो? एक तो सिलेक्टेड प्लेस एक है जम्बू लोचन हाल है, वहाँ पे कोई 50-60 मजदूर लोग जो हैं वहाँ पे रखे हुए हैं। स्टार्टिंग डे से हम वहाँ पे दे रहे हैं खाना, उसके बाद छन्नी में देते हैं, नई सड़क देते हैं, परेड देते हैं और जो मंदिर वगैरह के बाहर बैठे होते हैं 100-200 बंदा, उन सबको हम फूड प्रोवाइड कराते हैं। तो अभी हमारे साथ और भी लोग हैं जो यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? शिवेंद्र सूरी। सर क्या बना रहे हैं आज और क्या अलग अलग दिन अलग अलग डिशेस बनती हैं, क्या क्या बना रहे हैं? हम डेली चेंज कर बनाते हैं, कभी दाल, कभी राजमा, कभी सब्जी, कोई भी जो भी हमारे को मार्केट में ताज़ी अवेलेबल हो जाती है वो बनाते हैं और प्रोवाइड करते हैं। क्या खाली जो यहाँ पर जो लंगर बनता है उसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं, हाइजीनिक के लिए किस तरीके से देखते हैं, क्या साफ़ सफाई का क्या ध्यान? सब लोग हम पहले सबसे पहले हाथ हाथ वगैरह धोकर सब अच्छी तरह से और उसके बाद ये खाना हमारा तैयार होता है। खाना तैयार करने के बाद हम पूरे गाड़ी के अंदर ग्लव्स वगैरह सब मेंटेन किए हुए हैं और सैनिटाइज़र वगैरह सब हमारे पास अवेलेबल होता है। सैनिटाइज करके अपने आप को और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर लोगों को खड़ा करके और उनको बांटते हैं। तो कितने लोग हैं आपके साथ लगे हुए जो इसको प्रिपरेशन वगैरह में कर रहे हैं? इस प्रिपरेशन में जो हमारी टीम है अजय वर्मा को मिलाकर लगभग हमारे पास कोई 12 या 13 लोग हैं और 2 हमारे पास शेफ़ हैं जो हमारे पास काम करने के लिए आते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये पीर मिठा एरिया है यहाँ पे लगातार पिछले 49 डेज से जो है ये लंगर बनाया जाता है और इनका कहना है कि 800 से 1000 लोगों को ये लगातार जो है लंगर ये देते हैं। जो लोग जो लेबरर्स हैं जो किसी और जगह पर हैं जिनके पास खाना नहीं है, कुछ लोग मंदिर के बाहर होते हैं या जो स्टैंडर्ड लोग हैं उन लोगों को ये लोग जो हैं खाना और मदद पहुंचाते हैं। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।